उत्तराखंड में आई तबाही के करीब एक हफ्ते के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे। उत्तराखंड में उन्होंने गुप्त काशी का दौरा किया और पीड़ितों का दर्द जानने की कोशिश की, लेकिन राहुल के इस दौरे के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी पीड़ितों की सुध लेने सबसे पहले चमोली जिले के गोचर पहुंचे। कर्णप्रयाग तहसील के गोचर में उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की और राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। राहुल गांधी ने देर से आने पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि अगर मैं तुरंत आता तो सब लोग मेरी वजह से परेशान हो जाते। खराब मौसम की वजह से राहुल को अपना आगे का कार्यक्रम टालना पड़ा और वो गोचर के आईटीबीपी कैंप में रुके। राहुल के दौरे पर बीजेपी ने जब कांग्रेस पर सवाल उठाए तो कांग्रेस के आला नेताओं को राहुल के बचाव में उतरना पड़ा। राहुल गांधी जी वाइस प्रेसिडेंट के नाते एक सामान्य साई पे वो वहां पहुंच गए अपने आप कि हम पब्लिक को सेवा कर सकते हैं, और ये जो रिलीफ मटेरियल वहाँ यहाँ से रवाना हो गई कि वहाँ ठीक तरह से पहुँची या नहीं पहुँची निरीक्षण किया। अभी तो ठीक परिस्थिति ठीक है, लेकिन पहले तीन चार दिन तो बहुत कठिन थी, तो पहले तीन चार दिन तो हमने किसी को नहीं मना किया। इससे पहले गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड के दौरे के बाद ये बात कही थी कि जिन नेताओं को भारी भरकम सुरक्षा प्राप्त है उन्हें अभी उत्तराखंड का दौरा नहीं करना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी के दौरे के बाद कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई है।